बिहार विधानसभा की तारीखों की घोषणा के साथ राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। जी हां, चुनाव मैदान में पुराने दिग्गजों के बीच कुछ युवा चेहरे पर भी नज़रें टिकी हुई है। जी हां, ये युवा चेहरे सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एवं विपक्षी महागठबंधन दोनों तरफ हैं। जी हां, एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान हैं तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव है। जी हां, बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी की भी चर्चा है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय की भी चर्चा हो रही है और पूरी उम्मीद है कि वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों पर खास नजर रहेगी। जी हां, लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आरजेडी उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी को आरजेडी में लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। आरजेडी ने उन्हें महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर रखा है। तेजस्वी यादव बीते विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट से विधायक बने थे। आपको बता दें कि बिहार की महागठबंधन की सरकार में वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे विभिन्न मुद्दों पर वर्तमान नीतीश सरकार को घेरते रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की भी चर्चा है। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में वैशाली के महुआ से जीत कर महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। वे खुद को तेजस्वी को कृष्ण बताते हैं, उनकी चुनावी जंग का सारथी कहा है। वे अपने अजब गजब बयानों एवं लालू स्टाइल राजनीति के लिए जाने जाते हैं। इस बार के चुनाव में उन्होंने महुआ सीट बदलकर समस्तीपुर के हसनपुर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बताया जाता है कि इसका कारण उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का डर है। जी हाँ, तेज प्रताप यादव तलाक का मुकदमा लड़ रहे हैं और पत्नी उन्हें चुनाव मैदान में पटखनी देने की कोशिश में है। आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के नेता एवं बीते लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह से हारे कन्हैया कुमार विधानसभा चुनाव के दौरान फिर चर्चा में रहेंगे। कोरोना काल में बड़े स्तर पर जनसंपर्क तो संभव नहीं है, लेकिन कन्हैया विपक्षी महागठबंधन की तरफ से चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा चेहरा मानता है। उनकी राजनीति भी मोदी विरोध के आसपास घूमती रहती है। जी हां, कन्हैया छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं। जवाहरलाल नेहरू विवि का अध्यक्ष रहने के दौरान उन पर देशद्रोह के आरोप भी लगे हैं। यह मुकदमा कोर्ट में लंबित है। जी हां, सत्ताधारी एनडीए के एलजेपी अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी चर्चा में हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर राजनीतिक पार्टी आरंभ करने वाले चिराग 2019 में दूसरी बारी सांसद बने। वे एलजेपी के अध्यक्ष एवं पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। रामविलास पासवान के इन दिनों बीमार होने के कारण विधानसभा चुनाव में एलजेपी की पूरी जिम्मेदारी चिराग पासवान के कंधे पर है। जी हां, आपको बता दें कि सीटों के मसले पर वे एनडीए से नाराज चल रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनकी बातचीत अब नतीजे पर पहुंच रही है। अब आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में एक और नाम जो है वो खास चर्चा में है। यह नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी का। उन्होंने अपनी पार्टी प्लुरल्स बनाकर पूरे बिहार में उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर रखी है। पुष्पम खुद को मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित कर चर्चा में है। वह जेडीयू नेता विनोद चौधरी की बेटी है। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में लालू परिवार की बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय
की पोती एवं पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव तलाक का मुकदमा लड़ रहे हैं। तलाक के इस मुकदमे के कारण लालू एवं चंद्रिका राय के परिवारों के रिश्ते में खटास आ गई है। इसके बाद चंद्रिका राय अब आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि ऐश्वर्या राय पति तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ने मैदान में उतरने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि चंद्रिका राय ने भी कहा है कि अगर ऐश्वर्या ऐसा फैसला लेती है तो वो उनके साथ है। हालांकि अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जी हां, इसमें आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट।